हेलो स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं कि आपको अपने पिछले दो वीडियोस में जो हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो कितना समझ आया है और ये एक्सरसाइज हम करेंगे थ्रू एम सी क्यूज़ एम सी क्यूज़ विच विल बी बेस्ड ऑन टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सो लेट्स स्टार्ट ये क्वेश्चंस आपके टैट और सी टैट एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे ये हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इससे साथ ही आपके रिवाइज भी हो जाएगा जो भी हमने पिछले वीडियोस में किया है या अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है, नहीं समझाए तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं सो लेट स्टार्ट हमारे इस टॉपिक में अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो ग्रोथ और डेवलपमेंट हमने किया ग्रोथ का मतलब है कि जो एक क्वान्टिटेटिव इंक्रीज होता है बॉडी में हाइट वेट साइज शेप में बॉडी या बॉडी के ऑर्गन्स में उसे हम ग्रोथ कहते हैं डेवलपमेंट हमने किया था डेवलपमेंट फंक्शन में बॉडी के और स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं इम्प्रूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट तो अब हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ग्रोथ इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब ग्रोथ टर्म क्या डिस्क्राइब करती है ऑप्शन नंबर ए मेंटल चेंज इन द बॉडी फिजिकल चेंज इन द बॉडी इमोशनल चेंज इन द बॉडी और ऑल ऑफ द अबव इसका राइट right आंसर क्या होगा राइट आंसर इज ऑप्शन बी फिज़िकल चेंज इन द बॉडी क्योंकि ग्रोथ जो है वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट जो पर्सनैलिटी का है उससे रिलेटेड होती है अदर एस्पेक्ट्स जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं लेकिन ग्रोथ जो है वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट की ही होगी क्वेश्चन नंबर टू इन विच स्टेज फिजिकल ग्रोथ इज रैपिड ह्यूमन लाइफ को अगर हम डिवाइड करें डिफरेंट स्टेजेस में लाइक इन्फेंसी स्टेज अर्ली चाइल्ड हुड लेट चाइल्ड हुड एडोलिसेंस स्टेज एडल्ट हुड तो ये उसमें कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा तेजी से होगी इज इट अर्ली चाइल्ड हुड ऑप्शन बी इन्फेंसी स्टेज ऑप्शन सी एडोलिसंस और ऑप्शन डी एडल्टड तो इसका राइट right आंसर क्या है इन्फेंसी स्टेज इन्फेंसी स्टेज जिसको हम शैशवावस्था भी कहते हैं जो कब से स्टार्ट होगी ज़ीरो यानी बर्थ से टू इयर्स तक बच्चे की इन्फेंसी स्टेज है जिसमें रैपिडली चेंजेस आते हैं अगर आप किसी न्यूली बॉर्न बेबी को देखोगे और उसको आप सिक्स मंथ्स के बाद देखोगे तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे या एक साल के बाद देखोगे तो और भी ज़्यादा चेंजेस आएंगे तो ये वो टाइम पीरियड है जिसमें जो बॉडी है वो एकदम से ग्रो करती है हाइट बच्चे की बढ़ेगी साइज शेप बॉडी का चेंज हो जाएगा नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें कि बच्चे की जो इन्फेंसी स्टेज है उसमें कितना रैपिडली वो उसकी हाइट बढ़ रही है क्वेश्चन नंबर थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ बच्चे की फिजिकल ग्रोथ को यानी ग्रोथ जो है उसको कौन सा कौन सी यहाँ पर फीचर इंडिकेट करता है इज इट नेगेटिव ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव ऑप्शन सी क्वालिटेटिव और इट इज इज इट पॉजिटिव सो द राइट आंसर इज क्या होती है ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव इंक्रीज जो चेंज आता है दैट इज़ ग्रोथ हमको पता है कि हमने किया था कि डेवलपमेंट क्या होता है मतलब वो सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं है क्वालिटेटिव भी है लेकिन जो ग्रोथ है ग्रोथ इज इंटायरली क्वांटिटेटिव, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है हाइट में वेट में तो क्वांटिटी में हम उसको नाप सकते हैं इसको हम मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर्स मीटर के ग्राम तो इसलिए हम इसे क्वांटिटेटिव चेंज कहेंगे अब यहाँ क्वेश्चन आ गया डेवलपमेंट का ह्यूमन डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मेजरेबल और बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव राइट आंसर इसका क्या रहेगा डेवलपमेंट इज़ बोथ क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्वान्टी भी है साथ में क्वालिटी भी है क्योंकि इम्प्रूवमेंट होगी स्ट्रक्चर की और फंक्शन की तो वो अपने आप में क्वालिटी में तो चेंजेस आ ही रहे हैं लेकिन क्वान्टिटी में भी न, वो चीज़ बढ़ेगी तभी उसमें क्या हो रहा है मतलब क्वालिटी भी उसकी अच्छी हो रही है मेजर हम नहीं कर सकते ये बिल्कुल गलत ऑप्शन रहेगा क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट है तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते हम उसे असेस कर सकते हैं कि डेवलपमेंट अच्छी हो रही है बहुत अच्छी हो रही है लेकिन हम कभी भी मेजर नहीं कर पाएंगे कभी भी फंक्शंस जो है उसको या इम्प्रूवमेंट को सो राइट आंसर क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाई द ब्रॉड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट जो जो डेवलपमेंट है वो अपने में क्या क्या कौन कौन से एस्पेक्ट को इंक्लूड करती है ऑप्शन नंबर ए फिज़िकल कोगनेटिव, सोशल एंड इमोशनल ऑप्शन बी इंटेलेक्चुअल, इमोशनल स्पिरिचुअल सेल्फ ऑप्शन सी सोशल फिजिकल पर्सनैलिटी एंड सेल्फ ऑप्शन डी फिजिकल पर्सनैलिटी स्पिरिचुअल, इमोशनल तो इसमें सही ऑप्शन क्या रहेगा देखिए यहाँ जो ऑप्शन डी है वो गलत होगा क्यों होगा गलत क्योंकि फिज़िकल तो चलो ठीक है एस्पेक्ट रहता है पर्सनालिटी ये जो डेवलपमेंट है वो अपने में फ़िज़िकल एस्पेक्ट तो लेती है लेकिन पर्सनालिटी क्या हुआ पर्सनालिटी तो अपने आप में ही कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है वो तो अपने आप ही बहुत पूरे एस्पेक्ट्स इंक्लूड कर देती है तो इसलिए ये फिजिकल तो लिया है पर्सनैलिटी भी ले लिया स्पिरिचुअल जो है वो भी पार्ट हो गया पर्सनैलिटी का इमोशनल भी पार्ट है अच्छा यहाँ ऑप्शन ऑप्शन सी क्या है सोशल फिजिकल फिर पर्सनालिटी आ गया और सेल्फ भी आ गया सेल्फ अपने आप में इंक्लूड हो जाता है तो अगर हम सही ऑप्शन देखेंगे देन इट इज ऑप्शन ए ऑप्शन ए रहेगा क्योंकि जो पर्सनालिटी है वो अपने आप में इंक्लूड कर लेती है ये सारी चीज़ें और डेवलपमेंट जो होगी जिसमें हम कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट होगी वो आ, फिजिकल भी आता है कोगोनेटिव एस्पेक्ट सोशल एस्पेक्ट एंड इमोशनल एस्पेक्ट

कॉन्टीन्यूटी कॉन्टीन्यूटी होती है अब यहाँ पर हम आप, आपने ध्यान रखना है नॉट पूछा है कि कौन सा नहीं है कॉन्टीन्यूटी प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का क्योंकि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट का थ्रू आउट लाइफ चलता है सिक्वेंशलिटी हमने किया था सीक्वेंस में होगी डेवलपमेंट एक ऑर्डरली पैटर्न जो होता है उसमें होती है सीक्वेंस हमने इसमें तीन किए थे सिफेलो कॉर्डल प्रोक्सीमोडिस्टल एंड हमने इसमें लोकोमोशन किया था थर्ड ऑप्शन जनरल टू स्पेसिफिक ये भी ठीक है क्योंकि पहले जो कोई भी बच्चा है वो पहले जनरल चीज़ें सीखता है देन ही प्रोसीड टू द स्पेसिफिक थिंग्स फिर रिवर्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं बताया था बताना था कि कौन सा नहीं है तो राइट right आंसर क्या बनेगा रिवर्सिबिलिटी रिवर्सिबिलिटी क्यों है क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है डेवलप हो रहा है इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो वो हमेशा बढ़ती हुई होगी कभी भी वो घटेगी नहीं मतलब रिवर्स उल्टा नहीं हो जाएगा तो अगर उल्टी हो गई है कोई चीज़ रिवर्स हो गई है तो उसको हम डेवलपमेंट नहीं बोल सकते हैं तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है रिवर्सिबिलिटी इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेट चाइल्डहुड स्टेज अगर हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो मेजरली कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जैसे हम कहते हैं इन्फेंसी स्टेज अर्ली चाइल्ड हुड स्टेज लेट चाइल्ड हुड स्टेज देन एडोलसेंस एंड एडल्टुड तो यहाँ हमें क्या बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेज है जो लेट चाइल्ड हुड स्टेज में आती है तो सबसे पहले ऑप्शन है 11 टू 18 ईयर्स है क्या आंसर 18 टू 24 है बर्थ टू 6 ईयर्स है या 6 टू 11 ईयर्स है तो कौन सी इसमें स्टेज रहेगी तो अब इसमें जो राइट आंसर रहेगा लेट चाइल्डहुड का दैट इज सिक्स टू इलेवन ईयर्स तो ये इसका सही आंसर होगा अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो आपकी स्टेज है ये नजर आ रही है कौन सी है इन्फेंसी स्टेज ये कौन सी है बर्थ टू सिक्स ईयर्स कौन सी रहती है इन्फेंसी स्टेज फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी आएगी ये वाली सिक्स टू इलेवन ईयर्स ये कौन सी होती है ये वाली एज जिसे हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज तो ये तो हो गई अर्ली चाइल्ड हुड स्टेज और फिर उसके बाद नहीं ये अर्ली नहीं है यहाँ पर ये गलत हो गया अर्ली यहाँ पर दी भी नहीं है यहाँ ये जो है ये कौन सी होती है टू टू सिक्स ईयर्स फिर उसके बाद यहाँ पर आया ये नेक्स्ट स्टेज कौन सी आएगी सिक्स टू इलेवन ईयर्स तो वो ये वाली है जो हमारा राइट right आंसर था यहाँ पर लेट चाइल्ड हुड स्टेज और उसके बाद कौन सी आ जाएगी हमारे पास इलेवन टू एटीन ईयर्स जो होती है और एडोलेसेंस स्टेज ये है और फिर उसके बाद 18 टू 24 कौन सी आ जाती है हमारे पास एडल्टुड स्टेज आ जाती है तो हमें बताना था लेट चाइल्डहुड एंड यहां पर जो सही आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन डी सिक्स टू इलेवन ईयर्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन सफेलो कॉर्डल ऑर्डर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द ऑर्डर जो सिफेलो कॉर्डल है उसमें डेवलपमेंट सिफेलो हमने सीक्वेंस की बात की थी डेवलपमेंट में तो जो सीक्वेंस रहेगा डेवलपमेंट का सिफेलो कॉर्डल एक सीक्वेंस था उसमें डेवलपमेंट कैसे होती है ऑप्शन ए फ्रॉम हैंड्स टू द स्पाइनल कॉर्ड हैंड से वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ होगी फ्रॉम हेड टू द टोज फ्रॉम फीट टू द हेड ऑप्शन डी फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द हैंड राइट आंसर इसका क्या रहेगा सिफेलो कॉर्डल ऑर्डर में क्या होता है जो डेवलपमेंट है इट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टूवर्ड्स द टोज ऊपर से नीचे की तरफ होती है सबसे पहले हेड की डेवलपमेंट होगी धीरे धीरे शोल्डर्स और उसके बाद नेक नेक शोल्डर्स और फिर एबडोमन फिर लेग्स फीट एंड टोज तो इस तरह से डेवलपमेंट का ऑर्डर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इन डिस्टल ऑर्डर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्राम अब डिस्टल बताना है कि कहाँ से कहाँ को होगी ऑप्शन ए फ्रॉम हेड टू द टोज ऑप्शन बी फ्रॉम हैंड्स टू द स्पाइनल कॉर्ड कॉर्ड से स्पाइनल की तरफ होगी अंदर को जाएगी क्या फ्रॉम फीट टू द हेड क्या फीट से ऊपर की तरफ जाएगी या फिर फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द हैंड स्पाइनल कॉर्ड जो अंदर है वहां से हैंड्स की तरफ को जाएगी इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द ड्स तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ सिफेलो ऑर्डर कौन सा रहेगा ऊपर से नीचे की तरफ और डिस्टल क्या रहेगा कि स्पाइनल कॉर्ड से बाहर की तरफ डेवलपमेंट होती है ये हमारे अपर लिम्स जो हैं आर्म्स उनमें भी रहेगा और जो लोअर लिम्स होते हैं हमारे यानी ये हमारी लेग्स फीट उसमें भी रहेगा कि पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होती है और उसके बाद लेग्स और टोज़ की तरफ डेवलपमेंट बढ़ेगी तो इस क्वेश्चन में हमारा राइट right आंसर जो था वो कौन सा बना था यहां पर फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड्स टू वर्ड्स हैंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन डेवलपमेंट इज रिजल्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट किन चीजों के प्रोडक्ट माना जाता है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ऑप्शन बी ओनली हेरिडिटी ऑप्शन सी ओनली इन्वायरमेंट ऑप्शन डी नन ऑफ द एव करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगी करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डेवलपमेंट में दोनों का ही रोल रहता है हेरिडिट्री जो होता है हम हेरिडिट्री कौन सी करेक्ट uh, इसमें फैक्टर है जो कि जिसमें करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाते हैं तो हेरिडिटरी फैक्टर भी रहता है अच्छी डेवलपमेंट में वो भी इफेक्ट डालेगा और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होगा कि किस तरह का बच्चे को फूड मिल रहा है और फिजिकल इन्वायरमेंट क्लाइमेटिक और एक सोशल इन्वायरमेंट किस तरह का ये सभी एस्पेक्ट जो है फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ए रहेगी ना लास्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो इनमें से कौन सा नहीं है हमने ध्यान रखना है हमेशा नॉट पूछा है तो कौन सा नहीं होगा सोशल डेवलपमेंट का इसमें फैक्टर हम कह सकते हैं या एस्पेक्ट प्ले एक्टिविटीज़ प्ले तो होता ही है क्योंकि प्ले बच्चा किसके साथ करेगा दूसरों के साथ खेल रहा है तो वो एक सोशल डेवलपमेंट में आती है वो स्टेज फ्रेंडशिप ये भी आएगी क्योंकि सोशल फैक्टर है इंटीमेसी फिर है पेरेंट हुड पेरेंट जब बनेंगे तो भी क्या है मतलब एक सोशल वो है दूसरे के साथ रिलेशन है तभी पेरेंट हुड हो रहा है इंटीमेसी जो है यहाँ पर इंटीमेसी लगाव जिसे हम कहते हैं ये क्या होगा ये एक इमोशनल स्टेज कही जाती है अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो उसमें आएगी स्टेज इंटीमेसी की तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन क्या रहेगा इंटीमेसी इज नॉट अ स्टेज ऑफ सोशल डेवलपमेंट प्ले होता है फ्रेंडशिप होता है और पेरेंट हुड भी एक स्टेज आती है सोशल डेवलपमेंट में तो आज हमने डिस्कस किए एम सी क्यूज बेस्ड ऑन टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अब नेक्स्ट इसमें हम करेंगे कोई और हम टॉपिक um, लेंगे जिसपे हम एम सी क्यूज डिस्कस करेंगे टिल देन बाय थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो